जादुई तीन बहने। ढोलकपुर नाम का एक गांव था। गांव का राजा बहुत अत्याचारी था। राजा को औरतों से बहुत नफरत थी, क्योंकि गांव को एक विध्वंस बाबा ने राजा को बताया था कि उसकी मृत्यु किसी औरत के हाथों होगी, इसलिए वह छोटी बच्चियों को भी कारावास में डाल दिया करता था। वह अत्याचारी राजा अपने गांव की औरतों को कारावास में रखता था और उन पर बहुत अत्याचार करता था। उसी गांव में एक गरीब किसान रहता था, जिसकी तीन बेटियां थीं। वह राजा की नजरों से बचाकर अपनी तीनों बेटियों को घर में रखता था। एक बार की बात है, गांव में दो सिपाही घूम रहे थे। रामू ने जैसे ही देखा कि गांव में दो सिपाही घूम रहे हैं, तो वह तुरंत अपने घर आ गया और अपनी बेटी से बोला, बेटा अच्छे से खिड़की और दरवाजे बंद कर लो, एक चींटी भी अंदर नहीं आनी चाहिए, महाराज के दो सिपाही बाहर घूम रहे हैं। उस राजा की नजरों से बचाकर आपने हमें इतना बड़ा तो कर दिया है पिताजी, परंतु अब हम कितने दिन और इस घर में बंद रहेंगे? लोगों की नजरों से छुप छुप कर और कितने दिन हम इस घर में बंद रहेंगे? कभी न कभी तो लोगों को पता चल ही जाएगा कि हम इस घर में रह रहे हैं और राजा के सिपाही हमें पकड़ कर ले जाएंगे। अगर आप नहीं होते पिताजी, तो ना जाने हमारा क्या होता। वह राजा तो हमें हमेशा कारावास में डाल कर रखता और हम पर बहुत जुल्म करता। रामू अपनी बेटियों से कहता है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने अपने जादू से तुम तीनों बहनों को अलग अलग गुण सिखाए हैं, ताकि तुम्हारे ऊपर संकट आने पर तुम उसका सामना खुद कर सको और एक दूसरे की सहायता कर सको। गांव का एक शैतान बच्चा उस सिपाहियों को रामू की बेटियों के बारे में बता देता है। वह सिपाही जैसे तैसे रामू के घर पहुंचते हैं। उनमें से एक सिपाही रामू से कहता है, और कितने दिन महाराज की आंखों में धूल झोंक कर अपनी बेटियों को इस तरह छुपा के रख पाओगे रामू, एक ना एक दिन पता तो चल ही जाना था। चलो राजमहल, तुम राजा के आदेश के विरुद्ध गए हो, अब तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। राजा रामू पर बहुत क्रोधित था। मैं तुम्हें कारावास की सजा नहीं बल्कि फांसी की सजा सुनाता हूँ, आज से 10 दिन बाद तुम तीनों को फांसी दे दी जाएगी। महाराज हमें माफ कर दीजिए, ऐसी गलती आगे से कभी नहीं होगी, हम पर दया कीजिए, महाराज हमें बख्श दीजिए, इन तीन बेटियों के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं, इन तीन बेटियों के बिना मैं दुनिया में कैसे रहूँगा। महाराज हमने आपकी सजा को तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन किसी को फांसी पर चढ़ाने से पहले उसकी आखिरी इच्छा तो पूछी जाती है ना? महाराज आप हमसे नहीं पूछेंगे हमारी आखिरी इच्छा? आप हमारी आखिरी इच्छा पूरी करने की कोशिश करेंगे ना महाराज? वैसे तो तुम लोग हमारे आदेश के विरुद्ध गए हो, परंतु फिर भी बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। महाराज हमारी आखिरी इच्छा यह है कि हम तीनों आपके सामने अपना विशेष गुण दिखाना चाहते हैं। अच्छा, चार दीवारी में रहकर भी तुम लोगों के पास कोई विशेष गुण भी है? जरा हमें भी तो बताओ क्या गुण है तुम्हारे पास। महाराज मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक बार राज दरबार की रसोई में खाना बनाने की अनुमति दें। मुझे यकीन है कि आपको खाना अच्छा लगेगा। अच्छा, यदि तुम गलत हुई तो मैं तुम्हें और तुम्हारी दोनों बहनों को अभी के अभी फांसी पे चढ़ा दूंगा। मंजूर है महाराज, मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है। ठीक है, तो राज दरबार के रसोई में जाकर आज तुम राज दरबार के सभी लोगों के लिए बादाम का हलवा बनाओगी। याद रखना, अगर हलवा अच्छा नहीं बना तो आज रात ही तुम तीनों को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। जी महाराज मुझे बिल्कुल मंजूर है। यह सुनकर सोनम रसोई घर में चली जाती है। महाराज चुपके से अपने मंत्री से कहता है, ओ मंत्री चुपके से रसोई घर में जाकर वहाँ से चीनी गायब कर दो, मैं भी तो देखता हूँ बिना चीनी के हलवा कैसे अच्छा बनेगा।
मंत्री मुस्कुराते हुए कहता है, जी महाराज अभी जाता हूँ। उसके बाद मंत्री रसोई घर में जाकर वहाँ से चीनी का डब्बा गायब कर देता है। रूपा हलवे में चीनी डालने के लिए चारों तरफ चीनी का डब्बा ढूंढती है, पर उसे कहीं नहीं मिलता। यह क्या, इतने बड़े रसोई घर में चीनी का डब्बा ही नहीं है? कोई बात नहीं, आज मैं बिना चीनी के ही बादाम का हलवा बनाऊंगी। रूपा दोनों हाथों को जोड़कर अपने मन में कुछ कहती है और हलवे में जादू से चीनी का स्वाद ले आती है। सूर्य अस्त हो गया था। महाराज और राज दरबारों के सामने रूपा के हाथ से बना बादाम का हलवा परोसा गया। महाराज जैसे ही हलवा खाते हैं, वह उठ खड़े हुए। महाराज कैसा बना है बादाम का हलवा, बताइए तो। इतना स्वादिष्ट हलवा तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। वाकई में तुमने हलवा बहुत स्वादिष्ट बनाया है। जाओ रूपा, मैंने तुम्हें माफ किया। इतना कहकर महाराज रामू की दूसरी बेटी से कहते हैं, अब तुम बताओ सिमरन, तुम्हारा विशेष गुण क्या है? महाराज आप मुझसे मुश्किल से मुश्किल प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगी। अच्छा तो यह बताओ, दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा कौन है? महाराज मन ही मन सोचते हैं कि सिमरन राजपुत्र ध्रुव को ही दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा बताएगी। महाराज दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा घने जंगलों में रह रही एक औरत का है। महाराज सिमरन का यह उत्तर सुनकर बहुत क्रोधित हो जाते हैं। अच्छा तो हम उस बच्चे से मिलना चाहते हैं। अगर यह बात गलत निकली तो मैं तुम्हें तुरंत फांसी पर चढ़ा दूंगा। इतना कहकर महाराज वहां से अपने कमरे में चले जाते हैं। उस रात महाराज को नींद नहीं आती। अगले दिन सुबह महाराज अपने मंत्री और सिमरन के साथ जंगल में जाते हैं और एक पेड़ के पीछे छुपकर उस बच्चे को देखने लगते हैं। एक घर के बाहर छोटा सा बच्चा खेल रहा होता है। वह बहुत काला होता है। यह देख महाराज बहुत क्रोधित होते हैं, परंतु थोड़ी देर बाद वह बच्चा गिर जाता है। तभी अंदर से उसकी माँ आती है, उसे चुप कराते हुए कहती है, चुप हो जा मेरे राजा बेटा, ऐसे नहीं रोते, तुम तो दुनिया के सबसे खूबसूरत और सबसे बहादुर बेटे हो। यह देख राजा अपने मंत्री और सिमरन के साथ राजमहल पहुंच जाते हैं। तब सिमरन महाराज को समझाती है और कहती है, देखा आपने महाराज, हर माँ के लिए उसका बेटा दुनिया का सबसे खूबसूरत बेटा होता है। सिमरन का यह उत्तर सुन महाराज खुश हो जाते हैं और उससे कहते हैं, खुश हो जाओ सिमरन, हमें तुम्हारा यह उत्तर बहुत अच्छा लगा, हम तुम्हें जीवन दान देते हैं। फिर महाराज रामू की तीसरी सबसे छोटी बेटी से कहते हैं, अब तुम बताओ सिंड्रेला, तुम्हारे अंदर क्या विशेषता है? हम तुम्हारी दोनों बहनों से बहुत प्रसन्न हुए हैं, अब तुम्हारी बारी है, हमें कुछ करके दिखाओ। महाराज मैं बहुत कम समय में एक बदसूरत दिखने वाली लड़की का मेकअप करके उसे खूबसूरत परी जैसा बना सकती हूँ। अच्छा तो फिर रुको मंत्री, अभी तुरंत गांव की सबसे बदसूरत दिखने वाली औरत को यहाँ प्रस्तुत करो, हम भी तो देखें यह सिंड्रेला ऐसा कैसे कर सकती है। मंत्री तुरंत गांव में जाकर सबसे बदसूरत दिखने वाली औरत को राजमहल में ले आता है और महाराज से कहता है, यह लीजिए महाराज, गांव की सबसे बदसूरत औरत मैं ले आया हूँ, अब आप आगे का कार्यक्रम चालू करिए। यह लो सिंड्रेला, गांव की सबसे बदसूरत औरत, तुम्हारे पास आधा घंटा है, तुम इसका मेकअप करके आधे घंटे में हमारे सामने प्रस्तुत करो। सिंड्रेला उस औरत को लेकर एक कमरे में चली जाती है और मेकअप करते करते मन ही मन एक मंत्र पढ़ती है। कुछ समय बाद वह औरत दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत में बदल जाती है और थोड़ी देर बाद महाराज के सामने आती है।
क्या हुआ सुंदर स्त्री, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? बताओ, मैं तुम्हारी समस्या हल कर दूंगा। नहीं महाराज, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। यह तो वही काली औरत है जो थोड़ी देर पहले आपने मेरे साथ भेजी थी। क्या, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। यह तो बहुत गोरी लग रही है। जी महाराज, यह तो मेरे मेकअप का कमाल है। मंत्री, तुरंत सिंड्रेला को मेरी तरफ से सोने की 100 असरफियां दी जाएं और इन चारों को छोड़ दिया जाए। मंत्री सिंड्रेला को सोने की 100 असरफियां दे देता है और रामू अपनी तीनों बेटियों के साथ राजमहल से अपने घर चला जाता है। उस दिन के बाद रामू अपनी तीनों बेटियों के साथ हंसी खुशी से रहने लगता है। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।